लो पकड़ो पकड़ो। पापा एक फोन ले पापा जो। भाई सीरियसली तो भैया गुलमर्ग 6 किलोमीटर बाकी है लेकिन स्नो प्रॉपर दिखना चालू हो गई है। ये देख लो इतनी स्नो हम लोग को पटनी टॉप में दिखी थी और हमको लग रहा है कि हमारा कुछ अच्छा है अब की। वाओ रास्ता देखो दोनों तरफ बर्फ। सबसे अच्छी चीज बता क्या रोड में बर्फ नहीं है आप गाड़ी आराम से लेके जा सकते हैं। हाँ यहाँ पे कहीं भी ब्लैक आइस नहीं है अभी तक मिली हम लोग को स्नो मिली है बस अब मिलन चालू हुई है। आगे देखिए ब्लैक आइस मिलती है कि नहीं मिलती है गाड़ी तो हम लोग ले आए। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग की हसीन वादियाँ। गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर से थोड़ा जल्दी निकलना होता है। वैसे तो रास्ता 60 किलोमीटर का है रोड्स बहुत अच्छी हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रास्ते का टाइम होता है वो आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि पहाड़ों पर 60 किलोमीटर भी होते हैं ज़्यादा लगते हैं हमें तो। और उसके बाद गंडोला राइड पर भी हमें बहुत ज़्यादा रश मिल जाता है इसलिए अगर हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं तो हमें वो वहाँ पर टिकट आसानी से मिल जाता है। हमारा वो जो गुलमर्ग का प्रॉपर जो टाइम होता है वो हम ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं क्योंकि अगर शाम को हम ज़्यादा देर में गुलमर्ग तक रुकते हैं ना तो ठंड में बुरे हाल हो जाते हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे जब हमें रात में लेट हो गया था तो कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो चलिए चलते हैं गुलमर्ग और इन्जॉय करते हैं गंडोला राइड और वहाँ पर आपको दिखाते हैं हसीन वादियाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यूज। तो ये है गुलमर्ग की हसीन वादियाँ और अब हम जा रहे हैं अपनी गंडोला राइड के लिए जो कि है यहाँ से वॉकिंग रास्ता। तो हम लोग यहाँ से वॉक करेंगे और थोड़ा सा व्यू आपको मैं दिखाती हूँ अभी कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए और अब हम एंटर कर रहे हैं और गाइस इधर देखिए भैया टैक्सी देकर गंडोला क्या प्राइस है भैया टैक्सी के और ये है जन्नत मतलब बच्चे के लिए स्लेज गाड़ी देगा बच्चे के लिए चॉकलेट है चिंगम वाटर कैडबरी और ये है खूबसूरत वादियाँ जिसके लिए हम 1500 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं। हमने 1500 किलोमीटर ड्राइव किया है इसके लिए और अब हम थोड़ा वॉक करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रू ब्यूटी ऑसम। देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ स्नो दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर रास्ता है मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो यहाँ की ब्यूटी कि कितना मजा आ रही है। यहाँ पे लग रहा है एक सफेद चादर बिछी हुई है बर्फ की। सर टिकट टिकट अभी नहीं लिया है गंडोला का नहीं लिया है ना आगे देखा भाई आगे चलो आगे आपको टिकट बुक करवा दोनों फेस का करना है एक का क्या रेट है दो फेस का सर इसका जो है ना वन फेस 740 है 800 रुपए लेते हैं करने के और दोनों फेस का 1700 कुछ बच्चे का लगेगा नहीं छोटे बच्चे का नहीं लगेगा हम तीनों का बड़े का। गंडोला राइड दो फेसों में डिवाइड है। फेस वन का किराया जो है वो 740 रुपये है और फेस टू का किराया जो है कंबाइंड वो है 1700 रुपये। इसको आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो करीबन 2 से 3 दिन पहले आपको इसको बुक करना पड़ेगा। इसकी एक वेबसाइट है jkcablecar.payu.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। फेस टू के लिए जो टाइमिंग है 9 से 3 बजे तक है और फेस वन के लिए टाइमिंग 3 पार्ट में है। जो पहला पार्ट वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 11 से 1 और 1 से 3 पर स्लॉट में 400 लोग एक साथ ऊपर जाते हैं और टोटल 1200 लोग जाते हैं 3 स्लॉट मिला के। फेस टू में 1200 लोग जा सकते हैं एक टाइम पे।
हमारा गंडोला का टिकट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं राइट के लिए। व्यू देखिए आप, और देखिए विवान और सिया एंजॉय कर रहे हैं। कितनी देर करते हैं वो देखा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। आराम से भागो नहीं, और व्यू देखिए, व्यू देखिए कितने सुंदर है, मजा आ रही है। सब जी एक आदमी जाएगा साथ में, वाह। और देखिए विशाल अपनी ग्रुपिंग बनाते हुए, हर तरफ स्नो है, बेबी खेलना है। और छोटा बेबी ये भी तो है, तो ये गंडोला है सर। देखिए कैसा लग रहा है, मौसम में गिरा इन लोग के चक्कर में उतरूं मैं, एक तो पहले डिसाइड देखा नहीं मैं आलू पसंद क्या बोलते हैं। सब्जी और सब्जी अरे मेरे भाई गिर गिरा जाएगी, 200 रुपए देगा बच्चा उठाएगा भाई, बच्चा जाएगा ही नहीं, आप उठाएगा कहाँ से। और ये है गंडोला में एंट्री हमारी, मेरा ये स्लिप नहीं हो रहा है, दाल में थी ये अलग हो रही, वो अलग मेरी उंगली कर रही। और यहाँ पे डिस्कशन होते हुए कि कैसे गिरे थे, और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो जब आपका नंबर नहीं आता है तो। बट अभी आई थिंक हम ऊपर जा रहे हैं, ये है रास्ता। ये है गंडोला की राइड जहां से हमें स्टार्ट पॉइंट मिलेगा, देखिए कितना सुंदर है ये। और अभी हम इसमें बैठेंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ जगह मिल जाएगी, हमारा टिकट हो गया है। और ये हमारे साथ एक छोटा सा ब्लंडर हो गया है, हमने टिकट बुक करानी थी 13 की, हमने 14 की करा ली, तो उसी को एक को कैंसिल करके दूसरे बुक कराई जा रही है, उसी में हमारा थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उसी का वेट हो रहा है। एक भैया है वो काफी सपोर्टिव है, वो हमें सब हेल्प कर रहे हैं कि हम अपने टिकट सही से कैंसिल करा के बुक करा पाए। फाइनली अब हमारा नंबर आने वाला है, थोड़ा सी लाइन बची है, अब हम भी अपनी राइड एंजॉय करेंगे, ये। लेकिन लाइन काफी लंबी थी, देखिए अभी भी हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन है। ये आ गया हमारा गंडोला, भैया मेरा नंबर है प्लीज, बहुत लंबी लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी राइड स्टार्ट हो गई है और आप नजारे देख सकते हैं, तो आप हम लोग गंडोला से उतर गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंडोला पे, हैं? गंडोला से उतर के मंडोला जा रहे हैं हम लोग। और हम आ गए हैं, ये है रास्ता और देख रहे हैं खूबसूरत वादियाँ और चारों तरफ स्नो ही स्नो है, हम कितनी बार गिरते हैं यहाँ पे पता चलेगा अभी। और देखिए रेस्टोरेंट्स कितने अच्छे हैं, यहाँ तो मैगी बनती है भाई। फाइनली हम पहुंच गए अपनी गंडोला राइड फिनिश करके, देखिए ये है रास्ता।
ये हसीन वादियाँ गुलमर्ग की। देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड आपको सिर्फ स्नो दिखाई देगी। और हमें कहाँ जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक मैडम रील बना रही है साड़ी में, इसे हम लोग रील वाली भाभी कह सकते हैं कि मैडम भैया बहुत हॉट है भाई, सीरियसली तीन बार आ चुका मैं, एंजॉय करो ना, एंजॉय आप करने का मौका दे तो ये देखिए पहले गाइस मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ बड़ी मुश्किल से, नहीं देखो यहाँ पे भूसा हूँ इस समय। अब निकलने की बारी आई है, 4x2 लगाते हैं और खूब तूफान कितना आती बाती ना आती साथी फल लगाना कूदता बूता नू तसूता करते बात गए हैं। ओए वाह घुसा ऑफरोडिंग, ये देखिए यहाँ पे सीएल तो थू 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 बर्फ खाली छी 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 हाय हाय हाय। अरे पापा यार मेरा कैमरा पकड़ी है ब्लॉग शूट करिए, ये रख दो टांग दो बाड़ी बचो। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं सूरज जा चुका है और ठंड बढ़ गई है, और देखिए वहां पे सूरज दिख रहा है, ये सूरज देखिए ऊपर वाला है गंडोला 2 पे है, लेकिन गंडोला 2 का जो टाइमिंग है ना वो 5 बजे तक है बस, तो उसको जाने में भी वहां बहुत लंबी लाइन लगी है, उसके बाद जब तक नंबर आएगा 4:30 बज जाएगा, फिर हम आधे घंटे के लिए ऊपर जाएंगे नहीं यार, 1000 रुपये का एक आदमी का टिकट है, इसलिए हमने कहा यहीं इंजॉय करते हैं। ये पूरी पब्लिक देखिए ये गंडोला है आने जाने वाला, इसके अलावा वहां पे स्नो ड्राइविंग हो रही है, मतलब जो स्नो राइडिंग के लिए जो आती है स्नो वाली, ये दिख रही होगी आपको स्नो बाइक्स, सॉरी स्नो बाइक, स्नो बाइकिंग हो रही है वहां पे, 150 लोग कर रहे हैं। इसका जो चार्ज है यहाँ पे है करीबन जैसा आदमी फंस जाए 1000 रुपए से नीचे नहीं आते हैं, बता रहे तो 3000-4000 है, लेकिन लास्ट जो आप बताते हैं वो 1000 रुपए। ये देखिए यहाँ पे रील वाली भाभी रील बनवा रही है, रील वाली भाभी बूमरैंग बना रही है, रील बना रही है, बूमरैंग बना रही है, रील नहीं बनाती मैं। और एक ये जो है इसको मेरी बिटिया को सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, क्या क्या आते हैं, क्या बोल रही है, मम्मी और पापा, नहीं एक और सीखी है डैडी डैडी, भाई जी ये है इनके, ये पूरा देखिए बर्फ भी बर्फ भीग चुके हैं पूरे पैरों में बर्फ है, और इनको ठंडा लगने लगा, अभी कहने लगे चले नहीं अभी नहीं चल रहे हैं, अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रही भाई बहुत। ये दिन भर होती है, लो पकड़ो पकड़ो आराम से लेंगे पापा, मम्मी अचा पे पापा, हाँ चले चलो हम लोग वापस चलते हैं, इधर इधर बहुत बर्फ है, अरे बहुत डरते हैं, और मेरी टॉकिंग टॉम जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रही है, हाँ सिया है ना, चलो आते हैं बाबू टोटे तो बाबू मुटे तो, हाँ दूल्हा दूल्हन चलेंगे हम लोग, नहीं दूल्हा नहीं दूल्हा नहीं 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 ले रे बेटा। सो बादल आ चुके हैं, सूरज जी जा चुके हैं, और हम लोग आए थे तो हमारे हाल और कुछ थे, अभी हमारे हाल बहुत बुरे हैं, विमान की ज्यादा हालत खराब है, विमान पहले लेट लिए और विमान से चला भी नहीं जा रहा है, और देखिए एक बार जाते जाते वादियाँ, और अब देखिए ये रिटर्निंग के लिए
गंडोला के लिए लाइन लगी हुई है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता नहीं कहाँ है। तो हम जा रहे हैं लाइन में लगने पर। भाई साहब वादियाँ बहुत सुंदर है। तो गंडोला अगर फेज टू पे आपको जाना है तो करीबन 11 बजे ऊपर पहुंच जाइए, क्योंकि जब आप लौटेंगे तो 3 बजे यहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी, ठंड इतनी बढ़ जाती है तो ये भीड़ बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे हमने करीबन 4-5 बच्चों को बेहोश होते हुए देखा है। आपको 1 घंटा माइनस डिग्री में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे बहुत दिक्कत बढ़ जाती है बच्चों के लिए, ओल्ड एज वालों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये थी हमारी गंडोला राइड जो फिनिश हो गई है। और तो बताइए कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको, कैसा लगा सिया, कैसा लगा सिया, कैसा लगा, अच्छा लगा। अरे भैया अच्छा लगा सिया, कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा। चलो भैया डन हो गई, हमारी ट्रिप वसूल हो गई। सिया ने कह दिया अच्छा लगा, मजा आया। चलो भैया ये हमारी राइड एंड हुई, ये था एग्जिट और ये एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। आप लोग एक एक मिनट अपना रिव्यू दे दे, यहाँ पे खड़े होके प्लीज। भाई मुझे तो बहुत मजा आई। हाँ ठीक है, बस विमान को ठंडा लग रहा है, देखो हालत देखो क्या है। विमान कैसा लग रहा है, पैर देखो पैर मुड़ रहे हैं। और जल्दी चलो जल्दी, आप बताइए कैसा लगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, पैसा है। चलो भैया तो ये था हमारा गुलमर्ग का एक्सपीरियंस। सोनमर्ग का कल आपको बताएंगे कि कैसा है सोनमर्ग। तो आज के लिए टाटा बाबा सी यू, क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है। तो मिलते हैं कल।